नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। बढ़ती कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का 1 मई से निशुल्क टीकाकरण के अंतर्गत आज कस्बा अलावड़ा पर टीकाकरण की सूचना मिलने के साथ ही सुबह 9 बजे से ही PHC के बाहर महिलाएं और युवा आने लगे। वहीं 10:15 बजे तक PHC पर बढ़ती भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा होने का स्टाफ के द्वारा बार बार समझाने के बावजूद लोगों के नहीं मानने पर प्रधानाचार्य सतपाल सिंह के द्वारा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अलावड़ा चौकी से पुलिस को बुलाना पड़ा। इधर रामगढ़ CHC से 11 बजे के बाद वैक्सीन PHC अलावड़ा पर पहुंची। इसके बाद 45 वर्ष आयु के लोगों का वैक्सीन टीकाकरण का कार्य शुरू हो पाया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं का 1:15 बजे तक टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया और अधिकांश युवा एवं महिलाओं को बिना टीका लगवाए बैरंग लौटना पड़ा। BCMHO अमित राठौर ने बताया कि सर्वर में प्रॉब्लम आने के कारण विलंब हो रहा है, जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसी दौरान प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, डॉक्टर मृदुल बंसल, सभी PLO, पंचायत सहायक एवं समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी राजेश मीणा व तहसीलदार अजीत कुमार बुंदेला ने कोरोना से मृत महिला के गांव जाहर का निरीक्षण किया। ग्रामवासियों से COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोई भी नागरिक COVID-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं उपखंड अधिकारी राजेश मीणा ने कोरोना से पॉजिटिव मृत महिला के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग के लिए चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। गौरतलब है कि जाहर गांव में कोरोना से मृत महिला की खबर के बाद लोगों में भय फैल गया है, जिससे और दिनों की अपेक्षा लोग घरों में दुबके नजर आए। उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान रास्ते में लग्न समारोह में अनुमत संख्या से अधिक लोगों की भीड़ पाए जाने पर ₹5,000 का चालान किया। वहीं शादी के दौरान अनुमत संख्या का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात तहसील चाकसू सीमा पर ग्राम कोथुन में स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना किसी उचित कारण के आवाजाही करने वाले 10 दुपहिया व 4 पहिया वाहनों के मौके पर चालान काटे गए। वहीं कार्यवाही के दौरान चेक पोस्ट पर ACP चाकसू अर्जुन राम चौधरी, BCMO डॉक्टर सौम्या पंडित भी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को बेवजह आवागमन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने व वाहन जब्त करने के आदेश दिए। देचू पुलिस ने कोविड जागरूकता को लेकर सोमवार को कस्बे के विभिन्न मार्गों में फ्लैग मार्च किया। देचू तहसीलदार रणवीर सिंह ने बताया कि कोरोना की प्रदेश भर में चल रही दूसरी लहर के बाद संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। संपूर्ण प्रदेश के चिंताजनक हालात होने के साथ ही संक्रमितों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। पुलिस के द्वारा विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया व उसी के साथ आमजन को घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी एवं सरकार के द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। महामारी के दौर में आमजन को सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की पालना करते हुए एकजुटता के साथ महामारी का सामना करने का समय है। महामारी के दौरान घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी मौके पर देचू तहसीलदार रणवीर सिंह चौधरी व देचू थाना प्रभारी हनुमान राम विश्नोई व पुलिस के जवान व होमगार्ड सहित जाप्ता मौजूद रहा। उपखंड सपोटरा के व्यापारिक प्रधान कस्बा नारोली डांग के मेन बाजार में नर्सिंग कर्मी के द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को SDM ओम प्रकाश मीणा ने सील किया है। इसी दौरान कार्यवाही की भनक लगते ही नर्सिंग कर्मी क्लिनिक छोड़कर भाग गया। दरअसल SDM ओम प्रकाश मीणा व थानाधिकारी बनवारी लाल रविवार को बाजार में कोरोना गाइडलाइन का जायजा ले रहे थे। बाजार में क्लिनिक पर लोगों की भीड़ को देखा, जहां कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही थी। क्लिनिक की जानकारी करने पर PHC नारोली जांग पर कार्यरत मेल नर्स सत्यनारायण मीणा द्वारा अवैध रूप से संचालित होना पाया गया, जिस पर SDM ने क्लिनिक को सील कर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मदन मोहन मीणा को अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एक और मौसमी बीमारियों के कारण अस्पतालों का आउटडोर दिन व दिन बढ़ रहा है। वहीं गाँव में डॉक्टरों की कमी के कारण ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज नहीं मिल रहा। ऐसे में गाँव में अवैध रूप से दुकानें खोलकर बैठे झोला छाप आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर उनसे मुंह मांगे पैसे वसूल रहे हैं। यह झोला छाप केवल साधारण बुखार का उपचार दे रहे हैं, बल्कि प्रसव तक करा रहे हैं। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है। हैरत की बात तो यह है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के पास इन झोला छापों की पूरी जानकारी होने के बावजूद इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे। इसके अलावा इन झोला छापों के पास डिग्री नहीं होने के बावजूद यह लोग धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके पास आने वाले मरीजों को यह लोग
होम्योपैथी उपचार दे रहे हैं। साथ ही इनकी दुकानों पर ही मरीजों को इंजेक्शन के साथ ड्रिप तक चढ़ाई जाती है। गांव में किराए के मकान या दुकान लेकर वहां बकायदा अस्पताल जैसी व्यवस्था देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, ये लोग गंभीर मरीजों को भी भर्ती कर लेते हैं। साथ ही महंगी दवाइयां लिखने के साथ खुद के मेडिकल स्टोर से दवाइयां दी जाती हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी नारोली जांग रविकांत भंवर ने बताया कि मेरे अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी के अवैध क्लिनिक को SDM ने सील कर दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। आजकल सांसों की कमी को पूरा करने का काम भिवाड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र पूरे देश को कर रहा है, लेकिन तिजारा विधानसभा क्षेत्र में आने वाली भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में फेल रही। तो खुद विधायक देर रात उस जगह पहुंचे जहां से देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई भिवाड़ी से हो रही है। विधायक संदीप यादव ने अपने क्षेत्र की जनता की ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ना सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि ये तक कह दिया कि मेरे क्षेत्र के लोगों की कैजुअल्टी ऑक्सीजन की वजह से हुई तो तमाम अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। 260 ऑक्सीजन सिलेंडर रोजाना तिजारा भिवाड़ी को मिलने चाहिए, लेकिन वह भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खुद इस परेशानी और लापरवाही अधिकारियों को लेकर संदीप यादव ने CM अशोक गहलोत से शिकायत की है और विधायक ने साफ कह दिया है कि अगर कोटे से सिलेंडर भिवाड़ी तिजारा को नहीं मिले तो एक टैंकर भी भिवाड़ी से रवाना नहीं होगा। मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोगों की सेहत सबसे बड़ी है। उन्होंने आज ही के लिए मुझे चुना था। मेरा फर्ज है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की इस महामारी के दौर में सेवा करूँ। राजपूत छात्रावास के लिए भूमि आवंटित को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के आदेशानुसार चूरू जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा बड़ा व सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष महावीर सिंह परावा ने गांव-गांव जाकर इस मुहिम को तेज किया। 9 अप्रैल को सुजानगढ़ में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कर्णी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने दोनों पार्टियों BJP और कांग्रेस को कहा था कि जो पार्टी हमारे समाज की बात सुनेगी हमारा समर्थन इस उपचुनाव में मिलेगा, जिसके लिए 2 दिन का समय भी दिया गया था। 4 दिन बीत जाने के बाद से दोनों पार्टियों में कोई जवाब नहीं आया तो 13 अप्रैल से खुद चूरू जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा ने कमान संभालते हुए सुजानगढ़ व बीदासर के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। अपार जन समर्थन को देखते हुए सरकार के मौजूदा मंत्री ने निमंत्रण दिया। उसके बाद सभी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भंवर सिंह भाटी व प्रताप सिंह खजरियावास से मिले। दोनों ही सरकार के मंत्रियों में पूर्ण रूप से संगठन के पदाधिकारियों व समाज के लोगों को आश्वस्त किया। उसके बाद संगठन व समाज के लोगों ने गांव-गांव में कांग्रेस को वोट डालने की अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप मनोज मेघवाल 35,000 से अधिक वोटों से जीते। राजपूत समाज ने पूरे वोट मनोज मेघवाल को दिए और कांग्रेस पार्टी को सुजानगढ़ से जिताया। लेकिन क्या अब राजपूत समाज छात्रावास की भूमि आवंटित की जो मांग है उसे पूरा करेंगे मनोज मेघवाल और मंत्री भंवर सिंह भाटी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी राजपूत समाज ने अपना काम कर दिया। तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मर्द बुलेटिन। नमस्कार।